Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. Now, as we discussing the chapter number 8 and in continuation with that, आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की कि कैसे हमने हम किसी भी की ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, हाउ कैन वी कैलकुलेट एंड हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस बाय द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, नाउ एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमने पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम चार्जेस के बेसिस पे कि कितना इलेक्ट्रॉन गया है, कितना एक्सेप्ट हुआ, उसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं. एंड टू नो दैट कि कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट गए, कि उनके ऊपर कितना चार्ज आया है, वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर नथिंग, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ चार्ज दैट इज अपीयर्स टू एन एटम व्हेन इट इज अ कंबाइंड. कि जब कोई एटम क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, कंबाइनिंग स्टेट के अंदर है, तो कंबाइन होने में उसके ऊपर कितना चार्ज आया है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर. यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें NaCl की, तो व्हेन NaCl इज फॉर्मड वी नो दैट वेरी वेल कि व्हाट हैपन, द सोडियम गिव्स द वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोराइड क्लोरीन जो है That accept of one electron. तो जब combined form में NaCl की form में present है, तो Na contain a plus one and Cl contain a minus one charge. तो not in the dissociated form, हम उनसे बात कर रहे हैं, जब ये combined form है तब इसकी oxidation number निकाली जाती है. तो oxidation number हमेशा कब calculate की जाएगी? Oxidation number calculate किया जाएगा जब हमारे पास क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म के अंदर होगा कोई भी चीज. ऐसे ही यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, एज वी नो दैट कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए इट गेन्स दी जो है वो क्या करता है, अपने टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. तो जब वो टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कंबाइन होगा किसी ना अदर एलिमेंट के साथ, तो इट कंटेन माइनस टू चार्ज. तो मैक्सिमम केस में हमें मालूम है ऑक्सीजन जो है दैट कंटेन अ माइनस टू चार्ज, बट देयर इज अ सम अदर कंपोनेंट इन विच बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, जहां पर ऑक्सीजन का चुपर जो चार्ज है वो माइनस टू ना होके या तो प्लस वन है या प्लस टू है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन फ्लोराइड की, कि हमारे पास एक कंपाउंड है ओ एफ टू या डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ओ टू एफ टू. तो ऑक्सीजन फ्लोराइड की यदि हम बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें ऑक्सीजन फ्लोराइड की, तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोराइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज प्लस टू, नॉट अ माइनस टू, इट इज अ प्लस टू. तो हाउ इट इज फॉर्म की प्लस टू कैसे हो गया, तो सेम जनरली हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैरीज अ प्लस वन चार्ज, तो प्लस वन में ही रहता है मैक्सिमम. लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है लाइक हाइड्राइड्स, इन केस ऑफ हाइड्राइड्स लाइक BH3 और NH3, तो जब ये हाइड्राइड फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड दैट पर्टिकुलर केस द चार्ज ऑन द हाइड्रोजन इज माइनस वन, तो मैक्सिमम केस के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी वैलेंसी है होती है किसी भी कंपाउंड एलिमेंट्स की, जितना पावर है वैलेंसी है, जितनी कॉम्बिनेशन पावर है, उसके कारण जितना चार्ज आता है वो हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को कई बार क्या होता है, वो डिफरेंट भी हो सकती है. कि जैसे हमें मालूम है ऑक्सीजन की जनरली माइनस टू है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जहाँ प्लस टू भी है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन है उसकी जनरली प्लस वन है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जहां पर हाइड्रोजन की कितनी है, माइनस वन है. तो हम कैसे कैलकुलेट करें किसी भी एलिमेंट पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है या किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो प्रेजेंट है. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ बोथ आर द सेम थिंग. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए का सबसे सिंपल तरीका है, हमें कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद होने चाहिए. जैसे हमने अभी बताया कि सोडियम प्लस वन में होता है या हाइड्राइड माइनस वन में है, ऑक्सीजन प्लस टू माइनस टू में एग्जिस्ट करता है. तो कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वी हैव टू रिमेम्बर अबाउट टू कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर, कि हमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है अदर्स एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद होने चाहिए. और है क्या वो ऑक्सीडेशन नंबर,
जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जो इनकी जनरल वैलेंसी पावर है, जो इनके ऊपर चार्ज होता है व्हेन दे कंबाइन, जो हम 10th में 9th में पढ़ के आ चुके हैं, वही उसके क्या है ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको समझते हैं इस टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल हियर वी राइट KMnO4 and someone is asking you, the question is that what is the oxidation number or what is the oxidation state of manganese in this particular compound, ki is compound ke andar manganese mein KMnO4 mein manganese ki oxidation number batao. Now how can you calculate it? Simple, first break down this one into its ion. We know that there is a K plus and the whole MnO4 माइनस। द फर्स्ट मेथड इज दैट कि हमने इसको ब्रेकअप कर लिया। नाउ Mn इज हियर, तो जिसका हमें कैलकुलेट करना है लेट पुट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज x। नाउ प्लस वी नो दैट ऑक्सीडेशन नंबर या व्हाट इज द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस पर्टिकुलर, कि हमें मालूम है MnO4 है और Mn मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है यानी कि हम नेगेटिव वाला पार्ट में है, तो इसका मतलब ये अपने माइनस टू स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो हम वी नो दैट वन ऑक्सीजन कंटेन माइनस टू चार्ज एंड हियर इज अ फोर, तो व्हाट वी हैव टू राइट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द टोटल चार्ज ऑन दिस MnO4 इज माइनस 1। नाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस प्लस माइनस, देयर इज अ माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1 when we put here, so we will calculate it, the x is equal to plus 7, yani ki yahan par manganese ka jo oxidation number hai that is a plus 7. This is the first method. And so what is the second one, ki second one method jo hai uske andar, jaise main yahan aapko samjhati second method kya hai, ki we cannot dissociate into its ion, hum usko apne ion se dissociate nahi kare, hum direct likhte jaye. Jaise for example is particular compound mein हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, सिंपल वी नो दैट सोडियम क्या है मेटल है और प्लस 1 में ही एग्जिस्ट करता है, इसको हमें मालूम है प्लस 1 चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। नाउ हियर इज अ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस 1 है फॉर 1। सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है, लेट वी हैव टेक एक्स, ऑक्सीजन पीछे है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है माइनस 2। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट, नाउ वन सोडियम कंटेन प्लस 1, देयर इज अ 2 सोडियम, तो वी राइट 2 इनटू प्लस 1 प्लस 1x, देयर इज अ 2 सोडियम सल्फर, तो देयर इज अ 2x प्लस 1 कैरी माइनस 2 चार्ज एंड अदर वन कैरी थी माइनस 3, तो हियर इज 3 इंटू माइनस 2 एंड द टोटल चार्ज ऑन दिस इज 0। नाउ इट इज अ 0। नाउ वी हैव इजीली कैलकुलेट 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, हियर इज 6 इक्वल टू 0। नाउ 2x इज इक्वल टू, इफ वी कैलकुलेट 2x इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वी कैलकुलेट इट इज अ 2। तो सल्फर के x एक मॉलिक्यूल पर जितना चार्ज है S2 is है, तो एक सल्फर पे कितना है प्लस 2 है। ओके, एक सल्फर पे कितना है प्लस 2 है, दूसरे सल्फर पे भी कितना है प्लस 2 है, यानी मैं प्लस 2 कंबाइन करूं टोटल, तो सल्फर 2 पे कितना हो जाएगा, S2 पे कितना हो जाएगा, प्लस 4 होगा। लेकिन हमसे सल्फर के बारे में पूछा गया है, तो हम सल्फर के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वे टू विच बाय विच वी कैन कैलकुलेट इजीली ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ अनदर वन मेथड इज ऑल्सो देयर, कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें स्ट्रक्चर से क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होता है। तो उस अनादर वे क्या है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को कैलकुलेट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स सी। नाउ तो कुछ स्पेशल केस भी है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, जिसके को हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन जनरली तो माइनस 2 में रहता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है कई बार परऑक्साइड बॉन्ड बनाते हैं, परऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट होते हैं वहां पर, वो माइनस 1 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कई बार दे हैव एग्जिस्ट इन द प्लस 1।
तो कुछ हमारे पास स्पेशल केस है जहां पर जब हमारा कन्वेंशनल मेथड जो हमने अभी सीखा है उसके थ्रू यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास वैलिड नहीं आते हैं। तो हमारे को उनके स्ट्रक्चर पर ही क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। लेट्स लुक एट एग्जांपल्स ऑफ दिस। जनरली वो यही कंपाउंड्स हैं जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन के अंदर कुछ ऑक्सीजन जो है वो पर लिंकेज बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ओके, दिस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का यदि मैं पूछूं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हियर, तो हम सीधा सा क्या करेंगे कि एक्स मान लेंगे, इसका कैलकुलेट करना, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन कंटेन -2 चार्ज और -2 5 कंटेन -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो -10 इक्वल टू 0। तो हमने बोल दिया कि क्रोमियम जो है वो +10 है, लेकिन इट इज अ रॉन्ग। ओके, कि क्रोमियम कभी भी +10 शो ही नहीं कर सकता। क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इट विल एग्जिस्ट इन द +3 एंड +6 ओनली। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट देम द राइट वन? फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड? इज लाइक दिस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। तो व्हेन वी सी हियर वी सी दैट कि ऑक्सीजन, देयर इज अ टू ऑक्सीजन, 1 2 3 4, दीज फोर ऑक्सीजन 2 एंड 2 हैव अ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। और जब भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी दे विल कंबाइन, वो एक बॉन्ड से कंबाइन है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? पर ऑक्सो लिंक कहलाता है। तो होता क्या है, जब ये दो आपस में शेयर कर रहे हैं तो -2 -2 जो चार्ज है इनका क्या है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक जब भी परऑक्सो लिंक प्रेजेंट होगा, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंपाउंड्स में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उन एलिमेंट्स के उन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लिया जाएगा? -1। तो जब हम इस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे ऑक्सीजन है जो पर ऑक्सो लिंक से है, यानी कि इनके ऊपर -1 -1 -1 and -1 चार्ज है। एंड देयर इज अ वन ऑक्सीजन जिसके ऊपर +2 चार्ज है। नाउ वी विल इफ वी नो दैट कि यहाँ पे पर ऑक्सो लिंकेज है, तो हम इजीली इसका क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हमें इसका कैलकुलेट करना है? क्रोमियम का लैग इज एक्स प्लस वन ऑक्सीजन कंटेन -2 चार्ज, तो हियर इज -2 प्लस 1 2 3 4 ऑक्सीजन कंटेन -1 चार्ज, तो 4 × -1 एंड टोटल इज 0। तो व्हाट वी हैव, एक्स -2 प्लस -, वी हैव 4 = 0, एक्स -6 = 0, तो वी हैव कैलकुलेट x = +6, यानी कि यहाँ पे क्रोमियम जो है +10 में नहीं +6 स्टेट के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कुछ ऐसे स्पेशल केस है और वो जनरली यही है जहां पर कौन सा लीकेज प्रेजेंट है, पर ऑक्सो लिंक जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बाइंडिंग। लेट्स लुक अ वन मोर एग्जांपल टू रिलेटेड टू दिस। लाइक दिस इज द H2SO5। व्हाट इज H2SO5? कॉमनली नोन एज अ कार्बोज एसिड एंड जनरली नोन एज पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो हमारा एसिड है उसकी यदि मैं बात करूं, यदि हम कन्वेंशनल मेथड से जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, हाइड्रोजन जो है वो +1 में रहता है, तो 2 + 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन -2 -2 फॉर वन एलिमेंट, फॉर ऑक्सीजन वन एक ऑक्सीजन के लिए 5 के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 5, तो हमने यहाँ -10 लिख दिया = 0। तो वी हैव कैलकुलेट लाइक दिस, इज अ +8, बट दिस वन इज अ रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन, मैंने बताया कि ऑक्सीजन सल्फर जो है वो +6 तक शो कर सकता है, वो भी +8 शो ही नहीं कर सकता है, और ये हमारे को उसके ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से इजिली पता चल जाएगा। अब इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कारोज एसिड एंड हियर वी सी दे, यहाँ हमें दिख रहा है कि हियर इज टू ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद द पर लिंकेज, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दैट कैरी -1 -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट हियर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे +1
तो दो हाइड्रोजन पे कितना होगा प्लस टू चार्ज होगा। नेक्स्ट हमें सल्फर का निकालना है, लाइक दिस इज द एक्स प्लस वन टू थ्री, थ्री ऑक्सीजन जो है वो क्या है सिंपल फॉर्म है, दे हैव नॉट फॉर्म पर लिंकेज, उन्होंने लिंक पर लिंकेज नहीं बताया। तो ये जो है ये तो हमने माइनस टू माइनस टू माइनस टू स्टेट के अंदर ही है, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज दिस, टू प्लस एक्स माइनस सिक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, माइनस और माइनस एट, एट में से टू माइनस करेंगे तो वी हैव कैलकुलेट एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स। तो ये द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हियर इज प्लस सिक्स, ये हमें चीज ध्यान रखनी है। तो ये कुछ स्पेशल केस है जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनका कन्वेंशनल मेथड से नहीं आएगा, हमें उनको कैलकुलेट करने के लिए उनकी स्ट्रक्चर्स पर जाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनदर सम कंपाउंड्स एंड द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। थैंक यू।